नगरपालिका नीमच के लोक निर्माण विभाग सभापति मनोहर मोटवानी ने आज जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर परिसर के बाहर हॉट मैदान कॉम्प्लेक्स स्वर्णकार धर्मशाला के पीछे एवं सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। वे नगरपालिका के अमले एवं पार्षदगण के साथ भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। जिला चिकित्सालय के बाहर बगीचा बनाने, टॉयलेट को व्यवस्थित करने, सड़क बनाने, पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और अतिक्रमण हटाकर पूरे क्षेत्र को सुंदर बनाने का खाका तैयार किया। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राप्त सुझावों के आधार पर नगरपालिका के अधिकारियों को तुरंत प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए। मनोहर मोटवानी ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के नेतृत्व में नीमच को सुंदर, स्वच्छ एवं विकसित नगर के रूप में पहचान दिलाना है, जिस हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने हैं। इसी कड़ी में आज निरीक्षण कर विकास कार्यों की शुरुआत करने के लिए हम निकले हैं। निरीक्षण के दौरान मनोहर मोटवानी के साथ नगरपालिका अधिकारी श्याम टांकवाल, ओपी परमार, टेकचंद बुनकर, अरविंद सिंह, जमुना लाल पाटीदार, पार्षदगण योगेश कविश्वर, आलोक सोनी, कमल शर्मा, भूपेंद्र लोक्ष, अरुण प्रजापति एवं शशि कल्याणी भी मौजूद रहे। देखिए, नीमच नगर में निरंतर अतिक्रमण को लेकर शिकायतें आ रही थी। रोड रस्ते सब जाम हो रहे हैं, पार्किंग सब अव्यवस्थित है और लोगों द्वारा अतिक्रमण वहां पर किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे हम यहां पर खड़े हैं किस तरीके से व्यवधान उत्पन्न होता है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मेरे साथ नगरपालिका का अमला और पार्षदों की टीम भ्रमण पर निकली थी। हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो हाट मैदान है, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्थित जगह हो जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर जो मरीज आते हैं उनके लिए कहीं भी बैठकर खाना खाने की भी जगह नहीं है। ऐसे माहौल में और जो पेशेंट के साथ परिजन आते हैं उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक फ्रेंडली और अच्छा माहौल देने के लिए हमने वहाँ पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास गार्डन की एक बढ़िया सी योजना बनाई है। हाट मैदान के बीच पार्किंग की योजना बनाई है। सब्जी मंडी में शहर की माताएँ बहनें आती है और इतना कंजेस्टेड शाम को हो जाता है कि वे अच्छे से निकल भी नहीं पाती है। उनके लिए एक अच्छी व्यवस्थित जगह हो, इसलिए हम सब्जी मंडी का भी दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि इसको सुंदर बनाना है और व्यवस्थित जगह करनी है। देखिए, अतिक्रमण की व्यवस्था मैंने बोला आपको, अतिक्रमण की जो तकलीफ है ये पूरे शहर में है और एक लिमिट तक ही अतिक्रमण सहन किया जाए शहर के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। शहर की जनता, व्यापारियों को भी हमें साथ देना पड़ेगा। हम अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे शहर के लिए विकास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका आज थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन उसका फायदा आप हम सबको मिलेगा। अगर यहाँ सब्जी मंडी व्यवस्थित होगी तो सबका व्यापार भी व्यवस्थित चलेगा और जहाँ किसी को बैठने करने की अगर दिक्कत आएगी तो हम उसको जगह भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसा नहीं, हमारा उद्देश्य किसी का व्यापार छीनना नहीं है, हमारा उद्देश्य शहर के लोगों को एक सौगात देना और हम वो देंगे। देखिए, मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे जिले के क्षेत्र के लोग आते हैं। वहाँ पर बाथरूम की जो व्यवस्था है वो भी ओपन में मैंने था देखा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वहाँ सुंदर एक टॉयलेट बनाया जाए ताकि वो एक तो दिखे नहीं, दूसरा वहाँ रेलिंग लगा के पार्किंग की व्यवस्थित जगह की जाए, तीसरा वहाँ पर हम एक बहुत अच्छा गार्डन कर रहे हैं, पेशेंट के लिए बैठने की कुर्सियों की व्यवस्था हो। ये सौगात हम लोगों को देने जा रहे हैं और शीघ्र ही इसी परिषद में हम सारे प्रस्ताव ले आएंगे। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।